जय श्री राम। फास्टैग में एक नया स्मार्टवॉच लॉन्च किया गया, फास्टैग डिजायर FX1 Pro 3.6 सेंटीमीटर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, प्रीमियम मेटालिक केस, प्रीमियम मेटालिक बॉडी, सिंगल सिंक्रोनाइज ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर्स, AOD फीचर्स, 466x466 रेजोल्यूशन, AI वॉइस असिस्टेंट एंड फंक्शनल क्राउन के साथ ये वॉच आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल नंबर है 38142, NM01 WM01, NM यानी कि ब्लैक मेटल, WM यानी कि कॉपर के साथ मेटल। MRP इसमें 5999 देखने को मिल रही है, सेल प्राइस आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। और ये वॉच जो लॉन्च की गई है, आप मैन्युफैक्चरिंग वॉच देख सकते हैं 6/2024 को। करते हैं इस वॉच की अनबॉक्सिंग, बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज गोल्ड कलर है, ब्लैक कलर है। पहले हम रोज गोल्ड कलर को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिलती है। बहुत ही बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, प्लस आपको यहाँ पे जो मिरर है उसमें जो कर्व दिया गया है उस कर्व में आपको इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं। नंबरिंग दी गई है, जो कि वॉल क्लॉक होता है या कोई भी आप वॉच देखते हैं उसमें ये नंबरिंग से आप टाइम पॉइंट आउट करते हैं। तो ये एक इसमें एक अच्छी लुक दी गई है। चेन की बात करें, 22mm का इसका चेन का साइज़ है। हैवी चेन है, हैवी मटेरियल, हैवी स्टफ़ यूज़ किया गया है। केस की जो बॉडी क्वालिटी है वो भी हैवी है, प्लस इसका आप देख सकते हैं मोटाई भी काफ़ी देखने को मिल जाती है। केस का जो कलर है आप इसमें मैट फिनिश देख रहे हैं, मैट फिनिश भी आपको एकदम बेहतरीन फिनिश में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप स्पीकर के पॉइंट्स देख सकते हैं, स्पीकर के दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों ही हैवी पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी इसको म्यूज़िक भी चेक करेंगे, यानी वॉइस चेक करेंगे कितनी वॉइस की क्लैरिटी है और कितना हैवी वॉइस चलता है इसमें। लॉक, इसको बोथ साइड पुश लॉक का इस्तेमाल किया गया। चेन जो है प्रॉपर स्टेनलेस स्टील में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से चेन आप देख सकते हैं रिमूवेबल चेन है, यानी इजीली आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और इसकी जगह पिकल को अगर आपको स्ट्रैप अटैच करना है या कुछ और डिफरेंट चेन अटैच करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेंसर देख सकते हैं, सेंसर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। आगे से आगे डे बाय डे कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, और इनकी जो एक्चुअल सेंसर वर्किंग होती है 98% तक एक्यूरेट माना जाता है। पिन पॉइंट्स आपको चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोनों, और ये साइड के मैग्नेट पॉइंट है। मैग्नेट पॉइंट भी इसकी जो पकड़ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बैक पे अगर ध्यान देंगे तो आपको मॉडल नंबर मेड इन PRC, यानी कि ये चाइना में डिज़ाइन होती है, सॉरी डिज़ाइन इंडिया में होती है लेकिन चाइना में मैनुफैक्चरिंग होती है इसकी। एंड यहाँ पे आर्टिकल नंबर WM01, IP68 वाटर असिस्टेंट है। IP68 वाटर असिस्टेंट ये IP67 से एक प्लस पॉइंट होता है, प्लस इसमें वाटर एंट्री के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि एक लेवल इंप्रूव हो जाती है। मेटल केस मेंशन किया हुआ है, यूनिक कोड दिया हुआ है, और बार कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, QR कोड। अब ये तो हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन, अब आते हैं इसकी लुक के ऊपर। पहले मैं इसको फिक्स कर लूँ। ये देखिए, यहाँ से आप अपर से भी कर सकते हैं ईजिली, आप कहीं से भी इसको फिक्सअप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया, बड़ा ईजी है। इसकी यहाँ से आप लुक देखेंगे, प्लस इसमें आपको यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया, एक फंक्शनल क्राउन दिया गया, क्राउन आपको प्रॉपरली फील भी होता है। अब यहाँ पे आते हैं तो वॉच पे लिखा आ रहा है, QR कोड को स्कैन करेंगे तो एप्लीकेशन आएगी, फास्टैग स्मार्ट वर्ड, उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। तो देखते हैं बिना एप्लीकेशन के रन आउट होती है या नहीं। तो ये बिना एप्लीकेशन के रन आउट नहीं हो रही, तो मैं अभी कर लेता हूँ इस वॉच को एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड। इसके लिए हमें मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, फास्टैग स्मार्ट वर्ड, जिसके साथ मुझे इसे कनेक्ट करना है। तो मैं फास्टैग स्मार्ट वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैं आपको बता दूँ इसको डाउनलोड करने के बाद इसके मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उस पर OTP जनरेट होता है। OTP एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप तक का वेट करना है। तब तक के लिए मैं यहाँ से आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया, मैं यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करते आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो भी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्किप टू साइन अप आ रहा है, आप ऐसे भी करेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे या स्किप कर देंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मुझे रीड एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना, टिक कर देना। ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का आएगा, ये डिसेबल करना ज़रूरी है, ये नोटिफिकेशन में आइदर प्रॉब्लम क्रिएट आउट करता है, तो आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को इसको डिसेबल करना ज़रूरी होता है। ये मैंने इसको डिसेबल कर दिया। देन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, रजिस्टर विद SMS। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, 7944 ये मैं एंटर कर दिया, और कंटिन्यू। ये OTP आपका सिक्योर्ड OTP होता है, तो आपने उसका ध्यान रखना है। यहाँ से मैं कैमरा का परमिशन है इसको अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद लोकेशन परमिशन है, लोकेशन परमिशन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो मैं तीनों ही परमिशन को टर्न बाय टर्न इसे अलाउ कर देता हूँ। अब आते हैं वॉच के ऊपर, यहाँ से मैं वॉच का QR कोड वाला ऑप्शन टैब ले आऊँगा और इसको कनेक्ट कर दूँगा। ये देखिए कनेक्टिंग के बाद मेरे को कंफर्म टू पेयर के लिए आ रहा है,
मैंने यहाँ से कंफर्म टू पेयर पे क्लिक कर दिया। कुछ इस तरह की आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ये देखिए। अब इसके बाद आएगा प्ले पेयरिंग के लिए, तो लो एक्सेस पेयर, पेयर हो गया, पेयर सक्सेसफुली। देन यहाँ पे आएगा फर्मवेयर अपडेशन का, यानी कि ये फर्मवेयर अपडेशन चेक करता है अगर कोई फर्मवेयर पेंडिंग पड़ा है, यानी कोई बग्स आपका क्लियर होने वाला होगा तो उसका कोई फर्मवेयर रिलीज़ हुआ होगा, वो आपने यहाँ से अपडेट करना है। उसके लिए आपकी जो बैटरी है 35% से अबव चाहिए, तो यहाँ पे 78% है, मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये अपडेट नाउ आ रहा है 30%, मैं 30% से अबव लिखा हुआ है तो मेरी अबव है, मैं इसे अपडेट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ टाइम पीरियड लेता है, हर मोबाइल के अकॉर्डिंगली, आपके जो इंटरनल मोबाइल की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली और जो आपका इंटरनेट है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंगली ये टाइम पीरियड लेता है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा इस वॉच में, यानी इस मोबाइल में कितना टाइम लिया इसने। इसका अपडेटिंग 352 पे शुरू हुआ था। जब तक अपडेशन चलता है तब तक मैं आपको ब्लैक वॉच के दर्शन करा देता हूँ। ब्लैक वॉच की लुक आपके रूबरू है, कलर कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप यहाँ देखेंगे फास्टैग का लोगो भी बहुत ही अच्छा दिखने को मिल रहा हैवी वॉच है, वेयरअप पे भी आपको एक अच्छी लुक दे रहा है। और ये वॉचेस जो होती हैं आप किसी भी क्लॉथ के साथ वेयरअप कर सकते हैं, स्मार्ट वॉचेस की स्पष्ट खासियत यही है। ऑलमोस्ट 35% हो चुका है, दोनों वॉचेस की हाथ पे आप लुक देख सकते हैं कैसी देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हैं आप फर्मवेयर अपडेट हो चुका है 358। तो ऑलमोस्ट 3 मिनट लगे क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम में ना नेट का थोड़ा इशू हुआ था, मैंने दोबारा से 355 पे शुरू किया था, तो 358 पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और वॉच अभी रिस्टार्ट हो गई है, वॉच पे आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक देखने को मिल रही है वॉच फेस की। तो फर्मवेयर का जो प्रोसेस था प्रॉपरली रन आउट हो गया, सेकंड टाइम दोबारा से ट्राई करता फाइंड आउट करने का, अगर नहीं मिले तो आपको कुछ इस तरह की डिटेल फिलअप करनी है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हाइट, वेट, कितने आवर्स आप स्लीपिंग कॉल रखना चाहते हैं, कितने आवर मल्टी स्पॉट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप करना है और साइन इन करना है अगर आप गूगल फिट के साथ करना चाहते हैं, आइदर रहने देना। तो अब यहाँ से मैं वेदर के परमिशन को अलाउ करता हूँ, देन डोंट डिस्टर्ब, यहाँ से आपने अलाउ कर देना डोंट डिस्टर्ब के, देन आएगा क्विक रिप्लाई का, तो आपने ये सब परमिशन जो है अलाउ कर देनी है। वॉच यहाँ पे आपको कनेक्टेड शो कर रही है, सेटिंग्स में जाएंगे, सिटीज़ के लिए आएगा, सिटी अलाउ कर देना, नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं अलाउ कर देना, यहाँ से आपने परमिशन अलाउ करनी होती है नोटिफिकेशन एक्सेस रीड के, कॉल परमिशंस अलाउ, इसमें आपको फ़ोन कॉल लॉग्स का, फ़ोन कॉल मैनेज का, कॉन्टैक्ट परमिशंस का, ये सब परमिशंस आपने इसे अलाउ कर देनी है। अब आते हैं वॉच फेस पे, तो यहाँ से आप कस्टमाइज वॉच फेस लगा सकते हैं, अगर आपने कोई जो एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं वो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आइदर यहाँ कस्टम में आएंगे, चूज़ ए पिक फ्रॉम लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में से कोई भी पिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इस पिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट किया, यहाँ पे एडिट फ्रेम का आ रहा है, देख सकते हैं एड फ्रेम एडिट करना चाहते हैं नहीं, ये देखते हैं वॉच फेस नीचे ऊपर होता है नहीं हो रहा, कलर चेंज करना है कर सकते हैं, नेक्स्ट करके यहाँ से आप इंस्टॉल ऑन वॉच पे क्लिक कर देंगे, तो ये इसका कस्टमाइज वॉच फेस कुछ इस तरह की आपको डिस्प्ले विजिबल होगी इंस्टॉलेशन होने के बाद। तो अपडेशन इन प्रोसेस में है, यहाँ आप देख सकते हैं वॉच फेस इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो डोंट बी वरी, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपने इसका वेट करना है। वॉच फेस इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं कैसा देखने को मिल रहा है, इसकी लुक बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। अब हम आते हैं वॉच के ऊपर, एप्लीकेशन को कर देते हैं बंद, और वॉच पे आने पे सबसे पहले डाउन स्लाइड करेंगे हम, डाउन स्लाइड पे आपको सबसे ऊपर परसेंटेज आ रहा है वॉच का, वॉच कनेक्टेड का शो कर रहा है, डेट 16/7 मंगलवार, तो ये सब शो कर रहा है। इसके बाद सबसे पहले आता है फ्लैश लाइट, देन आता है कॉलिंग, कॉलिंग में आपको यहाँ पे रिसेंट कॉल, कीपैड, कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ फ़ोन फीचर ऑन ऑफ का आ रहा है, इसके बाद डिसेबल हो गया, ये देखिए यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग, सेटिंग में आप जाएंगे सबसे पहले आता है वॉच फेसेस, फिर आता है मेनू स्टाइल, मेनू स्टाइल में लिस्ट में और यहाँ हनीकॉम,
ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बाहर भी था। इसके अलावा स्क्रीन टाइम आउट है, स्क्रीन टाइम आउट 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप सेट करना चाहें। अबाउट, अबाउट में आपको मैट्रेस, आर्टिकल नंबर, फॉर्मवेयर, ये सब इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। पावर ऑफ है, रीसेट है, रीसेट से वॉच कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। क्यूआर कोड है कनेक्टिविटी के लिए। साउंड सेटिंग है, साउंड सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ से आपको वाइब्रेशन साउंड सेटिंग, मीडिया ऑडियो, कॉल रिंगटोन एंड अदर साउंड, अदर साउंड में आता है दिस मोड टर्न ऑफ साउंड फॉर अलार्म, रिमाइंडर एंड अलर्ट्स। तो यहाँ से अगर ऑफ करना चाहते हैं कर सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब फीचर को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। लिफ्ट व्यू है, डायनामिक वॉच फेस है। लिफ्ट व्यू के लिए डायनामिक वॉच फेस आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ मोड को, मैं आपको इसका भी गाइडेंस दूंगा अभी। देन AOD फीचर, AOD में आपको एनालॉग और डिजिटल दो ऑप्शन देखने को मिल रही हैं। जो टाइटन की नई आई थी उसमें AOD काफ़ी इंप्रूव किया गया था, इसमें सिंपल दो ही रखे गए हैं। तो हम यहाँ से एक बार बाहर आ जाते हैं एप्लीकेशन से, और मैं आपको डायनामिक वॉच फेस का दिखाऊंगा। पहले इसमें चेक कर लेते हैं वॉच फेस है कितने, 1, 2, 3 डायनामिक वॉच फेसेस। जिस एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो उन्हीं वॉचेस में आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको 2 या 3 वॉच फेस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। इन 2-3 वॉच फेसेस में ही डायनामिक यानी कि इंटरचेंज करता है। ये इसकी डिजिटल लुक है AOD की। एंड सेटिंग में अगेन जाएंगे तो यहाँ से आपको AOD एनालॉग में भी देखने को मिल जाएगा। वो मैं यहाँ से अपना स्क्रीन टाइम आउट 5 सेकंड कर देता हूँ। ये इसकी एनालॉग लुक है, काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिल जाती है इसमें। डाउन स्लाइड पे इसके बाद आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर्स। तो यहाँ से डोंट डिस्टर्ब फीचर ऑन करेंगे तो कॉल नोटिफिकेशन एंड अदर नोटिफिकेशन आपका यहाँ से ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आता है SOS। SOS होता है एक पर्सनल नंबर, आप ऐड कर सकते हैं एमरजेंसी कॉल के लिए। इसके बाद ब्राइटनेस का आ रहा है, ये हुआ डाउन स्लाइड। अप स्लाइड करेंगे नोटिफिकेशन आएगा। राइट स्लाइड करते हैं तो आपको लिस्ट आ रही है प्रॉपर। और लेफ्ट स्लाइड पे आपको सबसे पहले आता है स्टेप काउंटिंग का, देन आता है हार्ट रेट फीचर्स का, देन आपको ऑक्सीमीटर, स्लीपिंग ट्रैकर है, और आपको वेदर की रिपोर्ट शो कर रहा है। ये सब इधर है। अब हम राइट स्लाइड करते हैं, सबसे पहले माई फिटनेस है। तो उससे पहले मैं आपको क्राउन की वॉकिंग चेक करा देता हूँ। ये देखिए, प्रॉपरली क्राउन इसका वर्क कर रहा है। तो सबसे ऊपर आते हैं हम माई फिटनेस। माई फिटनेस में आपको कितने स्टेप चले, कितने किलोमीटर्स, कितनी कैलरी बर्न हुई। मल्टी स्पोर्ट्स में आप मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। रॉक स्किपिंग हो गया, योगा के आप जितने भी एक्सरसाइज मोड ऑन करना चाहें कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज मोड में क्या क्या शो करता है, कितनी देर आपने एक्सरसाइज की, हार्ट रेट, देन आपको कैलरी कितना बर्न हुआ, कितने टाइम्स आपने इसको रन आउट किया। म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। यस। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स रिकॉर्ड। इसके बाद है फ़ोन कॉल का। फ़ोन कॉल के बाद आता है हार्ट रेट, देन स्लीपिंग ट्रैकर, SPO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, मूड फीचर है, मूड मेजरमेंट करता है। ये एक जस्ट फॉर फन है, इसका कोई ज़्यादा फीचर्स का रोल आउट नहीं है। ब्रीथिंग है, इनहेल एक्सहेल के लिए, कितनी देर की आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ब्रीथिंग आपका लेवल चेक करता है बॉडी का, जो आपके ब्रीथिंग पर मिनट। देन SOS है, नोटिफिकेशन, वेदर रिपोर्ट है, म्यूज़िक है। म्यूज़िक में मैं यहाँ से म्यूज़िक प्ले करूँगा, अगर ये मैं इसका म्यूज़िक ऑन किया हुआ है, यानी कि वीडियो यहाँ पे चल रही है एंड म्यूज़िक आपको साउंड यहाँ से सुनाई दे रहा है। यहाँ से मैं अगली कर देता हूँ। अब मैं ये फ़ोन, ये देखिए मैं दूर ले जाता हूँ फ़ोन, तभी आपको साउंड सुनाई देगा। म्यूज़िक के बाद जो अगला फीचर है वह स्टॉप वॉच। यहाँ से स्टॉप वॉच स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टॉप होती है, यहाँ से रीसेट, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लैप्स ऑन हो जाता है, यहाँ से स्टॉप होती है, यहाँ से रीसेट। स्टॉप वॉच के बाद अलार्म है, आप 10 अलार्म यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जस्ट सिंपल है ऐड करने का, जितने बजे का रखना है, जिस दिन का रखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइमर। टाइमर फीचर्स को भी आप यहाँ से अलॉक एक्सेस कर सकते हैं, कितनी देर का टाइमर ऑन करना है वो कर सकते हैं। फ़ोन फाइंडिंग है, कुछ इस तरह से आपको फ़ोन फाइंडिंग फीचर वर्कआउट करता है। देन आता फ्लैश, फ्लैश लाइट मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप 1+2 = 3
ठीक हुआ। देन आता है AI वॉइस। AI वॉइस फीचर्स कैसे वर्कआउट करता है, तो इसके लिए मैं फ़ोन साथ में रख लेता हूँ। टैप टू स्पीक। हे गूगल ओपन यूट्यूब। मैंने यूट्यूब बोला, ये जीमेल खोल रहा है। फिर से बोलो। हे गूगल ओपन यूट्यूब। सुन लिया इसने। तो इस तरह से ये इसका AI वॉइस वर्कआउट करता है। तो AI वॉइस से आ जाते हैं बाहर। देन आता है गेम्स। गेम में आपको बर्ड गेम देखने को मिलती है, यहाँ से प्ले होती है। ये देखिए, ए शाबाश। पहली बार है इतने पॉइंट हो गए मेरे। चलो आउट करते हैं इसको। वेरी गुड। गेम से आते हैं बाहर। देन आता है पासकोड। तो इसमें आप पासवर्ड यहाँ से रख सकते हैं। पासकोड को 1 2 3 4 कंफर्म। 1 2 3 4 कंफर्म हो गया। यस, पासकोड को चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंटर करंट पासवर्ड 1 2 3 4। एंटर न्यू पासवर्ड 0000। री एंटर योर पासवर्ड 0000। अब पासवर्ड को ऑफ करना है, तो यहाँ से आप पासवर्ड ऑफ कर सकते हैं। 0000। पासवर्ड ऑफ हो गया। इसके बाद है सेटिंग्स। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस और इसके फीचर्स का सारा मैंने ओवरऑल बता दिया। इसकी AOD की लुक आपके रूबरू है। इस वॉच का जो डाउन बटन है, यहाँ ये पुश बटन है, इसकी वर्किंग क्या है, तो यहाँ से हम रन आउट करेंगे तो जो इसके मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ से रन आउट हो जाता है इजीली। तो ये इस बटन का मेन पर्पस इसीलिए दिया हुआ है। अब जो इसका लिफ्ट टू व्यू फीचर्स है और इसका जो आपको डायनामिक वॉच फेस का फीचर्स है वो मैं आपको उसका भी रिव्यू दे देता हूँ। तो ये मैंने इस वॉच को किया वियर। तो वॉच मैंने वियर अप कर लिया। अब मैं इसका लिफ्ट टू व्यू फीचर है वो आपको शो आउट कर देता हूँ। तो ये वर्कआउट नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा वो चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से डाउन स्लाइड करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे आपको लिफ्ट टू व्यू फीचर है, इसको यहाँ पे ऑफ पड़ा हुआ है। मैं ऑन कर लेता हूँ। अब ये देखिए लिफ्ट टू व्यू अभी भी वर्क नहीं कर रहा। सेटिंग में गया था तो लिफ्ट टू व्यू ऑन नहीं हो रहा। अब ऑन क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए आपको यहाँ पे एक ये फीचर्स पे लाइन बजा दिख रहा होगा, ये डोंट डिस्टर्ब फीचर है। इस फीचर को ऑफ करेंगे तो ही आप लिफ्ट टू व्यू फीचर है इसको रन आउट कर सकते हैं। अब मैं देखें सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग्स लिफ्ट टू व्यू। तो ये देखिए फीचर ऑन हो गया। तो ये कारण था कि डोंट डिस्टर्ब फीचर ऑन था, इसलिए लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट नहीं कर रहा था। अब ये देखिए मैंने इस पर मेरा खुद का वॉच फेस लगाया हुआ है। अब लिफ्ट टू व्यू करते हैं, डायनामिक चेंज हो गया। लिफ्ट टू व्यू करते हैं, फिर चेंज हो गया। लिफ्ट टू व्यू करते हैं, फिर चेंज हो गया। इस तरह से डायनामिक वॉच फेस और लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट करता है। अब AOD को ऑन करके देखते हैं कि लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट करता है या नहीं। तो ये मैंने AOD फीचर ऑन किया हुआ है, अब लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट कर रहा है। यानी कि AOD के साथ साथ लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट करता है, सिर्फ डोंट डिस्टर्ब फीचर रन आउट होने के साथ वर्कआउट नहीं करता। तो ये इसकी ओवरऑल प्रोसेस है। तो वियर अप में आपको कैसा लगा, कैसी इसकी लुक देखने को लगी चेन के साथ, जो इसकी न्यू लुक आई है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय भारत। वंदे मातरम।